बारे में कहिए सर। देखिए, सिलसिला शुरू होता है 1986 से, जिस वक़्त हमने ये सोचा था, बच्चे थे हम, कि हम एक कलाकार बनेंगे। और हमारे पिताजी ने भी हमारी मदद की और बोला, ठीक है, जो बनना चाहते हो बन जाओ, कल ये ना कहो कि आपको ये चांस नहीं दिया गया, वो चांस नहीं दिया गया। हम कलाकार बनने के लिए मुंबई आ गए, और मुंबई में उस समय का दौर था, उत्तर रामायण चल रही थी और इधर बीवी हो तो ऐसी चल रही थी। बीवी हो तो ऐसी में असिस्टेंट प्रोडक्शन में काम किया, और उसी वक्त जो उसके रिकॉर्डिस्ट थे हमारे माननीय सम्माननीय ई रुद्रा जी, वो उस फिल्म को कर रहे थे। और उस वक्त हमने सोचा कि ये डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है, इस डिपार्टमेंट में सिनेमा को करीब से देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक रिकॉर्डिस्ट, असिस्टेंट रिकॉर्डिस्ट या बूम मैन बिल्कुल सेट पे उसी वक्त जाता है जिस वक्त टेक होता है। और जिस प्रकार से मैंने, ये देखिए, दोनों माइक पकड़ रखे हैं, पहली बार ऐसे ही मैंने रामायण के अंदर माइक को पकड़ा था और अपना टेक्निकल जो दौर था वो शुरू किया था। अब क्योंकि आप अपनी नई पारी के बारे में बताइए, आप क्या करना चाहते हैं अभी एट प्रेजेंट? देखिए, हमें ये लगता है कि जो हम 1986 में बनने आए थे वही काम हमें करना चाहिए, क्योंकि पिछले 34-35 साल में बहुत सारी चीज़ों को हमने करीब से देखा है, समझा है, जाना है, और मन करता है कि एक बार वो हो जो मन का है। और मन में अभिनय पहला पार्ट है, तो उस पार्ट को निभाने की कोशिश करेंगे। और जिस प्रकार से हमारे डायरेक्टर चाहते हैं कि एक कलाकार हो, हम उस प्रकार से उनका साथ निभाना चाहेंगे। उनकी चॉइस, उनकी खुशी, उनका तरीका, उनकी सोच, उनके विजुअल्स, हम उसी पे काम करेंगे। हम कभी भी कोई भी चीज़ अपनी नहीं थोपेंगे, क्योंकि हमने टेक्निकली देखा है जब हम डायरेक्शन में थे तो। आप पब्लिक को अपने बारे में बताइए कि आपका नाम, पता, कि आप कैसे मुंबई में आए हैं, इस बारे में थोड़ा और बताइए, और एक्टर बनने जा रहे हैं आप, इस बारे में बताइए। देखिए, स्टार्टिंग में हम पंजाब से आए थे। पंजाब में एक जगह है ब्यास, राधा स्वामी जी का डेरा है वहाँ पे। वहाँ पे रामलीला वगैरह में वो डांस वगैरह करते थे, जो एक्टिंग होती थी, प्लेज होते थे छोटे मोटे स्कूल में, उसमें करते थे। अप्रिसिएशन जब किसी इंसान को मिलता है तो उसका दिल चाहता है कि वो उस काम को बढ़ाए। बस 1986 में 5 मार्च को हम दादर स्टेशन पे उतरे और सफ़र शुरू हो गया बॉलीवुड का। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? आप एक्टिंग कर रहे हैं या फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं या सीरियल में या वेब सीरीज में? आपने अभी कौन सा लेटेस्ट प्रोग्राम किया? देखिए, लेटेस्ट प्रोग्राम तो अभी एक हमारे दोस्त की मराठी पिक्चर थी, फक्त एक दांत। उसके अंदर एक छोटा सा साइंटिस्ट का करेक्टर था, जिसमें दो हीरो को इंट्रोड्यूस किया जाता है और आतंकवादी उस साइंटिस्ट को पकड़ के ले जाते हैं। फिल्म की ओपनिंग में ही पहला सीन है, तो वो एक छोटा सा किया था। और आगे का सफ़र तो देखिए डिपेंड ऑन ऑडिशन, बड़े से बड़े एक्टर का भी ऑडिशन होता है, जो हमारे पुराने एक्टर थे हम देख रहे हैं उनका भी ऑडिशन होता है। और ऑडिशन एक परफेक्ट वे है डायरेक्टर की नज़र में, कि उससे आदमी साबित होता है कि ये इस किरदार के अंदर फिट बैठेगा या नहीं। तो इस नाम नहीं बताइए, आपने नाम बताइए आप। हमारा पूरा नाम है करणवीर शौनक, और गूगल में करण लक्की 5 के नाम से भी हमें जाना जाता है। तब हम टेक्नीशियन थे, आज हम एक्टर हैं। तो एक्टिंग की पारी आपने शुरू की है, पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभिनय से आदमी लोगों के दिलों तक, दिमाग तक, उनकी मुस्कुराहटों तक में शामिल हो जाता है। और अक्सर हर इंसान का दिन चाहता है कि वो कुछ ऐसा करे जो सराहनीय हो, अद्भुत हो, बस ऐसा ही कुछ करने का मन है। तो आगे क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों में लास्ट में? वो अपना प्यार बनाए रखें, हम उनके प्यार की इज्जत रखेंगे।